जगह थाने की पुलिस व एसओजी टीम ने डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रुवा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान जितेंद्र गुप्ता पुत्र गंगा प्रसाद गुप्ता निवासी जमुनहा लुअटही थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया, दूसरा राकेश निषाद पुत्र अदालत निषाद निवासी सरहसव थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया, तीसरा पन्नेलाल यादव पुत्र धामा यादव निवासी झलावा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया के रूप में ही है, जिनके पास से 1 देसी तमंचा, 2 दिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्कूटी को बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त जितेंद्र गुप्ता, राकेश निषाद, पन्नेलाल यादव उपरोक्त व गौतम गौड़ पुत्र निर्मल निवासी बरवा पट्टी थाना खामघार जिला देवरिया व सतीश निषाद पुत्र चंद्रिका निवासी लक्ष्मीपुर लुहटवी थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया योजनाबद्ध तरीके से जितेंद्र गुप्ता उपरोक्त ने अपने साढ़ू डॉक्टर संतराज गुप्ता पुत्र रामविलास गुप्ता निवासी गोबडौर चौराहा थाना जगह जनपद गोरखपुर को मोबाइल से धमकाकर 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने की योजना बनाई। जेल में रहने के दौरान संपर्क में आए साथी रामगोपाल जायसवाल पुत्र सत्यप्रकाश निवासी सुदामापुर थाना वजीरगंज जिला गोंडा से योजना बताकर रंगदारी के रुपए मिलने पर हिस्सेदारी की बात बताकर अपाची बाइक लिए तथा विनय यादव को उपरोक्त मकसद बताकर तमंचा कारतूस लिए तथा उक्त योजना अनुसार जितेंद्र गुप्ता उपरोक्त अपने साथी गौतम द्वारा उपलब्ध कराए गए सिम से अपने साढ़ू डॉक्टर संतराज गुप्ता के मोबाइल पर फोन कर जान से मारने की धमकी देकर 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने की बात 8 सितम्बर की रात्रि में कहा। रंगदारी 20 लाख रुपए डॉक्टर के द्वारा न देने पर डॉक्टर एवं उनके परिवार को और अधिक भयभीत करने के लिए जितेंद्र गुप्ता ने अपाची बाइक व तमंचा अपने साथी पन्नेलाल यादव सतीश व गौतम को देकर डॉक्टर को तमंचे से मारने की बात बताने के अनुसार 16 सितंबर की शाम साथी गौतम के द्वारा डॉक्टर के घर पर डॉक्टर के ऊपर जानलेवा फायर करवाया, परंतु फायर संयोगवश डॉक्टर के घर के पास खड़ी गाड़ी पर लगी तथा 20 सितम्बर को जितेंद्र गुप्ता अपने साढ़ू डॉक्टर से दोबारा रुपए की रंगदारी की मांग की तथा रंगदारी के रुपए जनपद देवरिया थाना रुद्रपुर बॉर्डर के समीप ग्राम हरैया झिरझिरवा टोले के पास रुपए आदान प्रदान की बात कही। 20 सितंबर को पहले से लगी पुलिस पार्टी द्वारा बदमाशों की घेराबंदी करने पर बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए मौके से अपाची गाड़ी छोड़कर भाग निकले तथा अपाची गाड़ी के नंबर के माध्यम एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर जितेंद्र गुप्ता उपरोक्त का नाम प्रकाश में लाकर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जगह थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्र, उप निरीक्षक आलोक राय, शुभम श्रीवास्तव, कांस्टेबल विकास सिंह, सूरज यादव, एसओजी टीम प्रभारी मनीष कुमार यादव, हेड कांस्टेबल राज मंगल सिंह, राम इकबाल राव, अरुण खरवार, कांस्टेबल करुणापति तिवारी, रणवीर प्रताप सिंह, रवि चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रुआ ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना जंगा में 8 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर संतराज गुप्ता, जो कि उस क्षेत्र के एक लोकल डॉक्टर हैं, उनको एक मोबाइल नंबर से फ़ोन आया और धमकी भरे अंदाज से उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इस चीज़ की जानकारी उनको उनके द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके क्रम पर इस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की गई। इसी के तहत घटनाक्रम में आगे 16 तारीख को इनके घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर फायरिंग की घटना कारित हुई। डॉक्टर संतराज गुप्ता द्वारा इन घटनाओं के संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए थाने के साथ साथ इसका पर्यवेक्षण सीओ चौरी चौरा और एसपी नॉर्थ साहब के पर्यवेक्षण के अंडर एक पूरी टीम बनाई गई, जिसमें एसओजी स्वॉट और सर्विलांस को भी इसमें सम्मिलित किया गया। लगातार इस टीम द्वारा इस घटना के अनावरण हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच में पुनः जो वादी हैं उनके पास पहले वाले नंबर से और एक नए नंबर से दोबारा से फिरौती और रंगदारी मांगने की कॉल आ रही थी। इसी के तहत अपराधियों की जो मूवमेंट हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिसके तहत 20 तारीख को जब ये फिरौती की रकम लेने आ रहे थे तो पुलिस द्वारा घेराबंदी जब की गई तो इनके द्वारा
पुलिस को घायल करने के प्रयास से मोटरसाइकिल चढ़ाने और फायरिंग की घटना कारित करते हुए ये लोग वहां से फरार हो गए, जिसमें कि इनकी जो अपाचे बाइक है जो इनके द्वारा इस्तेमाल की गई थी वो वहीं पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई। इस बाइक के बरामद होने के आधार पर और सर्विलांस के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि ये पूरी घटना इनके ही जो वादी हैं, इनके ही सगे साढ़ू जो हैं, उसके द्वारा इस घटना को प्लान किया गया है। इस घटना में इनके साढ़ू और दो अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये एक पूरा गिरोह है जिसके द्वारा इस घटना की जो साजिश है वो जो इनके साढ़ू हैं, जब वो जेल में इससे पहले निरुद्ध थे, अपने दो अन्य साथी जो जेल में इसके साथ थे उनके साथ इस पूरी प्लानिंग बनाई थी। जेल में बाहर आने के बाद इनके द्वारा अपने उन दो साथियों व इनके अन्य साथियों के साथ इस पूरी प्लानिंग को किया गया, जिसके तहत इनके द्वारा जो वादी की डिटेल्स अपने साथियों को दी गई, जिनके द्वारा फ़ोन के माध्यम से रंगदारी मांगी गई, फिर उन्हीं की गाड़ी पर फायर करवाया गया और फिर रंगदारी के पैसे लेने के लिए जब ये आए तो इनके साढ़ू भी उसमें मौजूद थे। इसमें विशेष रूप से जो इनके साढ़ू हैं उनकी इसमें अरेस्टिंग हुई है। इनके दो अन्य साथी, इनके साढ़ू जितेंद्र गुप्ता, इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनके दो अन्य साथी राकेश निषाद व पन्नेलाल यादव की भी इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें चार अन्य लोग हैं जो इस ग्रोह के मेंबर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी होना शेष है, उनके भी रोल्स डिफाइंड हो गए हैं। इस पूरी घटना का अनावरण SP नॉर्थ साफ के पर्यवेक्षण में CO चौरी चौरा, SHO जंघा उनकी टीम व साथ में SWAT, SOG और सर्विलांस की टीम द्वारा बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त जो अपाचे मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है और अवैध असला बरामद हुआ है। बाकी अन्य जो साथी उनकी तलाश जारी है। इस घटना के सफल अनावरण के उपरांत इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया जा रहा है। इनके अपराधी के इतिहास आपके इसमें प्रेस नोट में हम लोगों ने सम्मिलित किए हैं। ये जो जितेंद्र गुप्ता हैं जो इनके साढ़ू हैं, इनके ऊपर पूर्व से देवरिया में एक मुकदमा पंजीकृत है। साथ ही जो राकेश निषाद हैं इनके ऊपर भी देवरिया में एक मुकदमा पूर्व का पंजीकृत है, और पन्नेलाल यादव हैं इनके ऊपर भी एक मुकदमा देवरिया से पंजीकृत है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में जो जो अपराध इन्होंने कारित किए हैं उससे संबंधित थाना जगह पर भी मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं।